नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। साल 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान और तभी से शुरू हुआ कश्मीर विवाद। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी अच्छे रहे ही नहीं, क्योंकि यही एक ऐसा मुद्दा था जिस पर दोनों देशों के बीच में कभी बात बन ही नहीं सकती थी। ये विवाद ऐसा था जो दोनों देशों के बीच में शायद ही सुलझ सकता हो। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भारत के कश्मीर को हथियाने की भरपूर कोशिशें की गईं, लेकिन भारत ने कश्मीर को अपने पास महफूज रखा, साथ ही पाकिस्तान के मंसूबों को भी फेल करता रहा। और उसके बाद इस विवाद को लेकर जो सबसे बड़ा एक्शन लिया गया वो मोदी सरकार ने लिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 और 35A से मुक्त कर दिया, जिसका असर ऐसा हुआ कि इसकी चर्चा सिर्फ भारत या फिर पाकिस्तान में ही नहीं हुई, बल्कि दुनिया भर में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। किसी ने इस फैसले का विरोध किया तो किसी ने इस मुद्दे पर भारत की मोदी सरकार का साथ दिया। कई लोगों ने मोदी सरकार के इस फैसले को भरपूर तरीके से सराहा और फिर ये तो भारत का आंतरिक मसला है, ये तो दो देशों के बीच की भी बात नहीं है, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जिस पर पाकिस्तान अपनी नजर गड़ाए बैठा था। इस मुद्दे को लेकर भारत की मोदी सरकार के फैसले का विरोध करने वालों में ब्रिटेन की एक सांसद डेबी एब्राहम्स का नाम भी शामिल था। डेबी ने इसे कश्मीरियों के साथ धोखा करार दिया था। इसी बयान से भारत में चर्चा का केंद्र बनी डेबी एक बार फिर चर्चा में तब आई है जब उन्हें भारत में एंट्री नहीं मिली। जी हाँ, भारत ने ब्रिटिश सांसद और लेबर पार्टी की नेता डेबी एब्राहम्स को सोमवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने के बाद देश में प्रवेश करने से रोक दिया, जिसके लिए सरकारी सूत्रों ने जो वजह बताई है वो ये कि एब्राहम्स के पास यात्रा करने के लिए वैध वीजा नहीं था, इसलिए उन्हें भारत में प्रवेश नहीं करने दिया गया। उनके ई वीजा को पहले ही रद्द कर दिया गया था और साथ ही उनको इसकी जानकारी भी दी गई थी। उसके बाद भी वो दिल्ली पहुंच गए। जब डेबी से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था कि 13 फरवरी से पहले उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उस दिन के बाद से वो ऑफिस नहीं गई और लगातार यात्रा कर रही थी। ब्रिटेन में उनके दफ्तर ने इस बात की पुष्टि की है कि डेबी को दुबई के एक विमान में वापस भेजा गया है, क्योंकि वो दुबई से ही वापस आई थी। डेबी के साथ भारतीय मूल का उनका स्टाफ भी मौजूद था। इससे पहले सोमवार को जब डेबी को भारत में एंट्री नहीं दी गई, जहां वो अपने रिश्तेदारों से मिलने आ रही थी, तो उन्होंने ट्वीट कर अपनी आपबीती साझा की थी। लिखा था कि एयरपोर्ट पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि उनका ई वीजा रद्द हो चुका है। डेबी कहती हैं कि वो इमिग्रेशन डेस्क पर दस्तावेज और ई वीजा के साथ पहुंची थी, लेकिन वहां मौजूद अधिकारी ने कंप्यूटर पर डेटा जांचने के बाद बताया कि उनका वीजा रद्द कर दिया गया है। डेबी के मुताबिक डिटेल जांचने वाला अधिकारी उनका पासपोर्ट लेकर 10 मिनट तक गायब हो गया और जब लौटा तो डेबी ने अधिकारी पर अपने साथ बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया। डेबी कहती है कि वो अधिकारी साथ चलने के लिए मुझ पर चिल्लाया और फिर मुझे डिपोटी सेल ले गया। जब ये पूरा वाकया विपक्ष के नेता शशि थरूर को पता चला तो उनको तो मानो सरकार को घेरने का मौका ही मिल गया। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि अगर कश्मीर में चीजें ठीक है तो क्या सरकार को आलोचना करने वालों को खुद की नजर से वहां की स्थिति नहीं देखने देनी चाहिए थी, ताकि उनके डर पर विराम लगे। जबकि सरकारी अधिकारियों का साफ कहना है कि डेबी का वीजा कैंसिल कर दिया गया था और समय रहते उन्हें इसके बारे में सूचित भी किया गया, लेकिन फिर भी वो दिल्ली पहुंच गए। अब आपको बताते हैं कि ये डेबी इब्राहिम्स आखिर हैं कौन। तो भारत के लिए सबसे बड़ी पहचान तो डेबी की यही है कि उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने का विरोध किया था। और बाकी 59 साल की डेबी इब्राहिम्स ब्रिटेन में कश्मीर पर सर्वदलीय संसदीय समूह की अध्यक्ष हैं। साल 2011 से ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी की तरफ से आउटर ग्रेटर मैनचेस्टर के ओडहाम ईस्ट और सिडलवर्थ से सांसद हैं। साल 2015, 2017 और 2019 में सांसद चुनी गई थी। जून साल 2011 से 15 तक ब्रिटिश संसद की वर्क एंड पेंशन सिलेक्ट कमेटी की भी सदस्य रहीं। साल 2015 में एक बार फिर वो इस पद के लिए चुनी गईं। इसके अलावा डेबी की पहचान लेबर सांसद कश्मीर पर एपीपीजी की अध्यक्ष के तौर पर भी है। एपीपीजी में ब्रिटेन के दोनों सदनों हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य शामिल होते हैं। एपीपीजी का उद्देश्य है कि कश्मीर में वहां के लोगों से बातचीत कर स्वायत्तता का समर्थन करें। इसके लिए ब्रिटिश संसद से सहयोग लेना और कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के मुद्दे को उठाना और कश्मीर के लोगों के लिए न्याय की मांग करना। और अगर इसके अलावा डेबी के प्रोफेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो वो फैकल्टी ऑफ पब्लिक हेल्थ की फेलो रही हैं।
ये संस्था ब्रिटेन के डॉक्टर्स और विशेषज्ञों की शीर्ष प्रोफेशनल बॉडी है। हेल्थ मिनिस्ट्री को सलाह देने के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी डेबी सलाह देती है। आपको बता दें कि पिछले साल अगस्त महीने में कश्मीर पर मोदी सरकार के फैसले के बाद डेबी इब्राहिम्स ने तत्कालीन विदेश मंत्री को इस मुद्दे पर खत लिखा था, जिसमें भारत के कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के कारण ब्रिटेन के संसदीय दल के बहुत ही चिंतित होने की बात लिखी गई थी और भारत सरकार के इस फैसले को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात बताया था। अब आप दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से डेबी इब्राहिम्स को भारत में प्रवेश ना मिलने और उनको वापस दुबई भेजने पर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं।